बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो वो अधीन एक वड्डा प्रोग्राम फतेहगढ़ साहब विखे किया गया सीगा। मुख्य उद्देश्य यह सी कि असी एक तो इस प्रोग्राम बारे लोगों को जागरूक कराइए। प्रोग्राम का मेन मोटिव यह है कि जो लोगों के अज पंजाब जी चाइल्ड सैक्स रेशो डिकलाइन हो रही है उन्होंने अपग्रेड करने असी किसी न किसी तरह लोगों को मोटीवेट भी करना है तो वो जड़े जिस तरह के कानून पहला लागू किए गए उन्होंने मजबूत भी करना। बाकी स्कीम जो पंजाब सरकार ने पहला ही किया है कि औरतों को अगे लियाने लई या औरतों की माली सहायता करने लई आप 1000 रुपया महीना जी जल्द ही लागू कर देवे। बच्चों की पढ़ाई लिए भी असी नवी स्कीम लैके आवेंगे। उस तो बाद देखते हैं कि किमें किमें सानू जिथे जड़े एरियाज़ दे विच सानू लैकुनाज लग रहे हैं कि इतने बच्चों की एजुकेशन घट है तो वो मैं अपने डिपार्टमेंट वालों अलग तौर पर एक नवी स्कीम सेहत सहूलत देने की गल की जा रही है पर जी मेडिकल जो स्टाफ की घाट कारण गर्भवती औरतों भी जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी मेडिकल स्टाफ की घाट है और जिस तरह तुम पंजाब के हालात पिछले सालों देखिए कि बहुत सारे जोड़े डॉक्टर है साढ़े गवर्नमेंट सैक्टर छड़ के प्राइवेट वाल ज़्यादा उन्हों का झुका हो गया तो साड़ी पहली कोशिश यही है कि एक तो ईवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए डॉक्टर्स की कि हर हस्पताल दे विच कम से कम जी बेसिक सहूलत ने वो मिल जाए। सो हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ वो महिलावान एक देख रही है 1000 की सुविधा जी वालों गरंटी दी गई थी कदों तक जी लागू देखो जी वैसे तो यह साडा बजट आएगा तो कोशिश यही रहेगी कि जिवें बिजली की असी जी पहली गरंटी पूरी की है तो इन भी असी जल्द तो जल्द 1-2 महीनों के लगे असी अपने पूरे MLA साहबान की भी राय लवेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी राय लवेंगे कि इस लॉ को इन्ना क स्ट्रिक्ट कर दीए कि अगे तो किसी की हिम्मत ना पवे कि यह भ्रूण हत्या वाल जो कदम उठाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो वो अधीन एक वड्डा प्रोग्राम फतेहगढ़ साहब विखे किया गया सीगा। इहदा मुख्य उद्देश्य सी कि असी एक तो इस प्रोग्राम बारे लोगों को जागरूक कराइए। प्रोग्राम का मेन मोटिव यह है कि जो लोगों के अज पंजाब जी चाइल्ड सैक्स रेशो डिकलाइन हो रही है उन्होंने अपग्रेड करने लई असी किसी न किसी तरह लोगों को मोटीवेट भी करना है तो वो जड़े जिस तरह के कानून पहला लागू किए गए थे उन्होंने मजबूत भी करना। बाकी स्कीम जो पंजाब सरकार ने पहला ही किया है कि औरतों को अगे लियाने लई या औरतों की माली सहायता करने लई आप 1000 रुपया महीना जी जल्द ही लागू कर देवे। बच्चों की पढ़ाई लिए भी असी नवी स्कीम लैके आवेंगे। उस तो बाद देखते हैं कि किमें किमें सानू जिथे जड़े एरियाज़ दे विच सानू लैकुनाज लग रहे हैं कि इतने बच्चों की एजुकेशन घट है तो वो मैं अपने डिपार्टमेंट वालों अलग तौर पर एक नवी स्कीम सेहत सहूलत देने की गल की जा रही है पर जी मेडिकल जो स्टाफ की घाट कारण गर्भवती औरतों भी जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी मेडिकल स्टाफ की घाट है और जिस तरह तुम पंजाब के हालात पिछले सालों देखिए कि बहुत सारे जोड़े डॉक्टर है साढ़े गवर्नमेंट सैक्टर छड़ के प्राइवेट वाल ज़्यादा उन्हों का झुका हो गया तो साड़ी पहली कोशिश यही है कि एक तो ईवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए डॉक्टर्स की कि हर हस्पताल दे विच कम से कम जी बेसिक सहूलत ने वो मिल जाए। सो हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ वो महिलावान एक देख रही है 1000 की सुविधा जी वालों गरंटी दी गई थी कदों तक जी लागू। देखो जी वैसे तो यह साडा बजट आएगा तो कोशिश यही रहेगी कि जिवें बिजली की असी जी पहली गरंटी पूरी की है तो इन भी असी जल्द तो जल्द 1-2 महीनों के लगे असी अपने पूरे MLA साहबान की भी राय लवेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी राय लवेंगे कि इस लॉ को इन्ना क स्ट्रिक्ट कर दीए कि अगे तो किसी की हिम्मत ना पवे कि यह भ्रूण हत्या वाल जो कदम उठाए। बाबा फतेह खान पंजाब दे नंबर एक तांत्रिक बंगाल तो सिद्धि प्राप्त पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी स्टाम्प पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बार होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनपन जादू टोना लव मैरिज मोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुस्से नु मनाउणा प्यार मोहब्बत संपर्क करो बाबा फतेह खान 99-586-35-478। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374-9647 84374-9648।